हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। शादीशुदा औरत से ऐसे फ़ोन पर बात करोगे तो वो आपके लिए मर मिटेगी। दोस्तों, आप चाहे कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी हैंडसम हो या फिर कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आपको लड़कियों से या फिर औरतों से बात करना नहीं आता है तो आप लड़की को या फिर औरत को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर सकते। और शायद आपने किसी लड़की से बात करने के लिए ट्राई भी किया होगा, फिर भी आप कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर लड़कियों से क्या क्या बातें करनी चाहिए। एक बात खत्म होने के बाद हमें दूसरी बात क्या करना है इसका पता नहीं रहता। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि लड़की से क्या क्या बात की जा सकती है और लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है। हम यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जिसको आप फॉलो करके लड़की से मोबाइल पर बातें कर सकते हैं और उसे इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शादीशुदा औरत से ऐसे फोन पर बात करोगे तो वो आपके लिए मर मिटेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो हमेशा घातक होता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में, बात करने का एक टाइम बना लो। दोस्तों, आप जिस लड़की से बात करना चाहते हो उस लड़की से आपको एक पर्टिकुलर टाइम में ही बातें करनी होगी। जैसे अगर आप रात के 8 बजे कॉल पर बातें करते हैं तो आपको हर दिन रात के 8 बजे ही उसे कॉल करना चाहिए। मान लो आपने किसी दिन उसे कॉल नहीं कर पाया किसी कारण से या किसी प्रॉब्लम से, तो उसे आपकी याद जरूर आएगी। जब आपका कॉल नहीं आएगा वो आपको खुद ब खुद कॉल करने लगेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि आप कहाँ हो और कैसे हो। इससे आप दोनों में और ज्यादा प्यार बढ़ेगा और आपको भी ये पता चल जाएगा कि उसे आपकी कितनी फिक्र है। आप इस तरीके से लड़की या औरत के दिल में अपने लिए जगह बना सकते हैं। बस आपको कुछ दिन उस लड़की के साथ एक टाइम पर बात करना शुरू कर दो, फिर देखो क्या होता है। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा कुछ हो सकता है। जब लड़की आपके साथ एक पर्टिकुलर टाइम में बात करेगी ना और अचानक आप किसी दिन उससे बात नहीं करोगे तो वो आपके साथ बात करने के लिए उतावले हो जाएगी। उसके बाद वो आपको खुद ब खुद कॉल करेगी, मैसेज करेगी। तब आपको समझ जाना पड़ेगा लड़की का अटैचमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है और वो आपसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई है। आप इस तरीके से किसी भी लड़की को या फिर किसी भी औरत को इम्प्रेस कर सकते हैं और आगे चल के उसे पटा भी सकते हैं। तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में, लड़की का निकनेम रखो। तो दोस्तों, आपकी अपनी क्रश का या फिर अपनी गर्लफ्रेंड का एक निकनेम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप उसे कॉल करोगे तो सबसे पहले आप उसे उसके निकनेम लेकर पुकारेंगे। मान लीजिए आपकी क्रश का या फिर आपकी गर्लफ्रेंड का निकनेम जानू, सोना, मोना कुछ भी हो सकता है, तो आप जब भी उसे कॉल करोगे ना और बोलोगे जानू, सोना, मोना, तो ये एक अलग ही फीलिंग होगी। आप उसके लिए दूसरों से कुछ स्पेशल हो, इसलिए आपको कुछ ना कुछ उसके लिए स्पेशल करना ही होगा, तभी आप उनके लाइफ में स्पेशल बन पाओगे। तो दोस्तों, आपको अपनी क्रश को या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को निकनेम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी क्रश को या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को उस निकनेम से पुकारते हैं ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी और वो धीरे धीरे आपकी ओर और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड का निकनेम रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड का निकनेम नहीं रखा है ना, तो अभी कोई अच्छा सा नाम सोच कर रख लो, इससे आप दोनों का प्यार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में, बातों को खत्म करने की ना सोचो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लड़के को या फिर लड़कियों को बात करते हुए देखा है, वो सिर्फ हाँ हूँ करते रहते हैं और बातें करना नहीं चाहते। अगर आप भी बातें करना नहीं चाहते हैं, बस उसे बता दे कि आप थोड़ा सा बिजी हैं, हम लोग शाम में बात कर सकते हैं या फिर किसी और टाइम में बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी गर्लफ्रेंड को लग सकता है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, आप उससे बोर हो रहे हो और वो भी आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर देगी। इससे आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए आप जब भी बिजी होते हो ना, तो उसे बता दो, हूँ हाँ करके बिल्कुल भी जवाब ना दें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बता देते हो कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, तो वो रिलैक्स होकर रहेगी। अगर आप उनको नहीं बताते हो कि मैं बिजी हूँ और सिर्फ हाँ हूँ करते रहते हैं, इससे वो कुछ नेगेटिव भी सोच सकती है और आगे चल के आप दोनों का रिलेशनशिप टूट भी सकता है। इसीलिए आपको हूँ हाँ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फाइनली उसे बता दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा और बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बरकरार रहे लंबे समय तक, अगर आप दिए गए 3 टिप्स को सही से फॉलो करते हो, सही से यूज करते हो, तो आपका प्यार बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।